नमस्कार, स्वागत है आपका जेजेएन न्यूज की एक और खास खबर में। कॉर्बेट सीमा से लगते रामनगर तराई पश्चिमी के पाटो इको टूरिज्म जोन को जैव विविधता के लिहाज से खजाना माना जाता है। आपको बता दें कि यहां कई प्रकार की वनस्पतियां और वन्य जीव मौजूद हैं, जिसके चलते पाटो पर्यटन जोन पर्यटकों की पसंदीदा जगह बन गया है। इस साल ये जोन पर्यटकों से गुलजार रहा। पर्यटकों ने इस जोन में बंगाल टाइगर और भालू को करीब से निहारा। बता दें कि पाटो पर्यटन जोन में इस साल पर्यटकों को लगातार बंगाल टाइगर के नहाने के साथ ही भ्रमण करने के दीदार हुए हैं। इसके साथ ही बहुत कम दिखने वाला भालू भी आसानी से इस पर्यटन जोन में लगातार दिखाई दिया। गौरतलब है कि तराई पश्चिमी के पाटो पर्यटन जोन ने डे विजिट सफारी के मामले में कॉर्बेट के अलग अलग जोनों को भी टक्कर दी है, क्योंकि कॉर्बेट पार्क आने वाले पर्यटकों की डे सफारी के लिए ये जोन पहली पसंद बना हुआ है। इस जोन में 50 जिप्सियां सुबह और 50 जिप्सियां शाम की पाली में सैलानियों को सफारी पर लेकर जाती हैं। साथ ही इस जोन में 50 गाइड की भर्तियां भी की गई हैं। बता दें कि इस वक्त पर्यटकों की सुरक्षा के चलते रास्ते खराब होने के कारण इस जोन को 28 जून से 30 सितंबर तक के लिए बंद किया गया है। अब 1 अक्टूबर को ये जोन फिर से पर्यटकों के लिए खोला जाएगा। पाटो एकमात्र ऐसा जोन है जहाँ की बियर की बहुत अच्छी साइटिंग हो रही है। लगातार इस सीजन में कई बार ऐसा हुआ कि बियर और बहुत अच्छे तरीके से, कई बार लोगों को दो दो तीन तीन बियर एक साथ में और कई बार अकेला बियर दिखा, और वो जो बियर दिख रहा है वो बहुत आसानी से दिख रहा है और बहुत तसल्ली से लोगों ने उसको देखा। ऐसा नहीं है कि बियर का नेचर होता है जनरली कि वो लोगों को देख करके भाग जाता है या छूप जाता है, तो लेकिन यहाँ पे जो हमारे बियर हैं वो इस तरह से कि वो बहुत ऐसा लगता है कि फेमिलियर है पब्लिक के साथ में, लोग टूरिस्ट के साथ में, तो इसलिए बहुत अच्छी साइड। ये थी रामनगर से हमारे संवाददाता राजीव अग्रवाल की खास खबर। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जेजेएन न्यूज के साथ। नमस्कार।